एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं 11:30 और क्या कहते हैं, पूजा के पापा तो सुबह 10:30 ही चले गए थे, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई, उठी हूँ, तो मैं कहा चलो ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बाहर आई हूँ, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और क्या कहते हैं, धूप है लेकिन हवा भी बहुत तेज़ है। तो मैं कहा चलो बाहर अभी खुद ही आज काम करना है तो सारा सबसे पहले करती हूँ घर की डस्टिंग, उसके बाद और काम करती हूँ। एक झाड़ू लग जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है, फिर रोटी सब्जी अंदर बर्तन ये सब पड़े हैं, ये भी साथ साथ में जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं पड़े हैं साथ साथ। गाइस देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, देखिए आपको दिख रहे होंगे सब हिल रहे हैं झंडे कैसे, और वहाँ देखिए सामने पेड़ भी, बहुत तेज़ है हवा। गाइस देखिए, ये देखिए, तो बट को बात धूप भी अच्छी है और मैं तो अंदर ही हूँ, मेरे को अंदर ही काम करना है। मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता मटर के साथ। मैं लेके आई थी, जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा था, 2 दिन पहले मैं सब्जियाँ लेके आई थी, तो बैंगन तो बहुत अच्छे निकले, मैंने बीच से कट करके और उसको देखिए गाइस, बैंगन को मैंने रोस्ट करने के लिए रख दिया है, अब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और फिर मैं इसके साथ साथ लगाती हूँ तड़का। तो दो हैं, एक येरा गाइस, ये देखिए एक येरा और एक येरा, दो का बनाऊंगी अब भरता मैं और फटाफट साथ साथ लगाती हूँ तड़का। गाइस यहाँ पर मैंने मटर भी साथ साथ डाल दिए हैं, देखिए आप प्याज ब्राउन हो रहे हैं साथ साथ मटर भी हो रहा है, क्योंकि प्याज मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं चाहिए। और यहाँ मैंने टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं, मैंने लिए हैं यहाँ पर 5 टमाटर और प्याज भी मेरे थे मीडियम साइज के 4 और आधी कटोरी थे मटर। और यहाँ 2 बैंगन भून चुके हैं, बस मैं अभी इसको छिलती हूँ और इसका जो स्किन होती है वो छिलती हूँ और फिर इसको साथ साथ भरते में डालते हैं जब तक सारा मसाला डाल के वो भी रेडी हो जाएगा। गाइस मैंने टमाटर डाल दिए हैं कढ़ाई में और अब मैंने कहा इसका अब डालूंगी सूखे मसाले और फिर इसको ढक के अच्छे से मिक्स, प्याज टमाटर मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद मैं ये बैंगन भी भुन चुके हैं दोनों, उनके मैं स्किन उतारती हूँ और साथ साथ उसको भी एक साथ काम करती हूँ। तो गाइस मटर जो है ना, अगर आप मटर प्याज के साथ डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, वो उसमें सॉफ्ट हो जाते हैं। आप अलग से डालोगे टमाटर के साथ तो वो थोड़ा टाइम लेता है, प्याज के साथ वो क्या होता है भूनते भूनते वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब हम भरते को ढक के रखेंगे तो बिल्कुल मटर हमें गले हुए ही नजर आएंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे से। तो ये है कि आप बस पहले इसमें डालो प्याज के साथ ही। तो गाइस ये प्याज टमाटर का मसाला और भरते इसका मटर सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं डालूँ इसमें ये भुना हुआ बैंगन, जिसको मैंने अच्छे से गाइस चेक कर लिया है, क्योंकि वैसे भी मैं जब बनाती हूँ ना तो तब भी मैं कट मार के उसको तभी भुनने रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती कि कोई कीड़ा होता है तो उसके बाद ना बड़ी दिक्कत लगती है। और आजकल तो बैंगन में वैसे भी अच्छे आ रहे हैं, कम बीज के आ रहे हैं तो कीड़ा तो नहीं होता, पर फिर भी हमारा तो फर्ज है कि हम जो भी करें चेक करके खाना बनाएं। तो बस गाइस इसको मैं ढक के बनाती हूँ, रखती हूँ 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि ये सारा कुछ अच्छा सा मिक्स हो जाए, मटर और ये बैंगन सब अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए गाइस अब इसको लो फ्लेम पे छोड़ेंगे। तो गाइस पूजा आ गई है काफी वेट करने के बाद और ये मन्नू भी आ गए हैं। नमस्ते मम्मी, क्या हाल चाल है? हाँ बस बढ़िया, अपना सुनाओ। और तुम्हारा? ठीक है, सब ठीक है, सही रहना चाहिए। हाँ और तुम बताओ? बस बढ़िया। भाभी की तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, थोड़ी पहले से बेटर है। हाँ टाइम लगता है, हफ्ता लगता है ठीक होने में, 3-4 दिन के करीब लग जाता है वापस। और ये सबके साथ हो रहा है? पापा आने वाले हैं, बस बता दिया था। ठीक है मैं रोटी बनाती हूँ, ये आपका ठीक है, काजू खाओ गोवा के छिलके वाले आते हैं। हाँ और ये सीमा मासी, नानी का, नानी का ठीक है, सीमा मासी को तो खा लेंगे। कल शायद फंक्शन पे जाएंगे तो शायद वहाँ मिल जाएगा, तो सीमा मासी को दे दियो। हाँ और ये इधर हम दिया है कंचन को दिया है। हाँ। अच्छा कंचन के वहाँ गए थे, घर नीचे से ठीक है, ओके ओके। हाँ अच्छा, हाँ ये वहाँ की वो है ना, अच्छी मिलती है। चल ठीक है मैं रोटी बनाती हूँ, मैं सबको पहुँचा दूंगी, नानी के घर कल जाते पहुँचा दूंगी, तू टेंशन मत ले ठीक है। और मासी को तो शाम को ही दे दूंगी, मंगल बाजार है ना आज। हाँ मैं चलेंगे ठीक है, चलियो। हाँ हाँ शादी के बाद, चल कोई नहीं चलियो, शाम को मासी को भी शॉप में मैं दे दूंगी, मासी को बुला लूंगी भटूरी वाली जगह पे ठीक है। मन्नू पैक कर ठीक है। हाँ तो गर्म कर लियो, माइक्रोवेव में रात को खाए जाते हैं, तो मन्नू आ जाओ तुम रात को यहीं खा के। अच्छा
चलो मैं रोटी बना देती हूँ फटाफट। खाना टेस्टी लगा है? मैं कह रहा हूँ कि इतना टेस्टी, क्योंकि हम तो वो कटे वाले खाते थे। हाँ, और ये तो ये मसाले भरे हुए थी, ये भरी हुई नहीं थी, लंबी कटी हुई थी बस, थोड़े मसाले में जो भी डाला। हाँ, वो था। हाँ, और धनिया ज्यादा था। तेरे को भी सिखा देती हूँ पूजा, तो जैसी बनी है ना। हाँ, वैसी बना, तू सीख ले मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल सेम सिखा दो। हाँ, सेम सिखाऊंगी। तुमने तो आज तक मेरी तारीफ करी नहीं है, तुम्हें मिल रहा है ना रोज वो, ऐसा है ना। तुम तो कभी कहते भी नहीं आज खाना टेस्टी बनाया, कभी नहीं बोला जिंदगी में। कि रोज बोल बोल के क्या मिलेगा, तो फिर भी बंदा बोलता तो है ना। मिले तब भी नहीं बोलता हूँ। हैं? खराब मैं खराब बनाती नहीं। अब पता क्या हो सकता है, पापा क्या बोल सकते हैं, जब खाना गंदा बनेगा आता तो बोलते हैं, नहीं बोलते क्योंकि आदत है, तब भी नहीं बोलते। कभी नहीं बोलते। पहली बात तो मैं आज एक बोलता हूँ, मेरा खाना कभी मैंने गंदा बनाया ही नहीं है, तभी तो नहीं बोलते कुछ। कभी है ना भाई, ये बात अलग है, तुमने कभी तारीफ नहीं। अगर मन्नू की तरह तारीफ करी होती तो मैं रोज तुम्हारे पकवान बनाऊं तरह तरह के। पहले तारीफ करो, बोलो खाना अच्छा बनाती है। बना दूंगी, चलो मैं ठीक है बना देती हूँ। ठीक है, चार की कौन सी खानी है भाई? चार सब्जी बना दो ना अलग अलग। चलो ठीक है, वो भी टेस्टी ना। हाँ ठीक है, चलो बना दूंगी। मम्मी कह रही घुटनों में बैठ के गुलाब दे दो सर। अरे घुटनों में क्या, सिर पे चल गए मेरे सर पर नाचोगे? छोड़ दो बस, छोड़ दो, चलो तुम कुछ नहीं करने लगे। हाँ तो गाइज मैं भिंडी बना रही हूँ दोबारा से, ये देखिए आप पूजा को मैं सिखा रही हूँ भिंडी। और मन्नू कह रहे हैं छोटी छोटी भिंडी वाली तो वो थी, बड़ी लंबी। हाँ, वाली बहुत अच्छी लगी है। तो आज मन्नू को बड़ी पसंद आई, तो मैंने कहा चलो मन्नू क्या क्या स्पेशल फोन आया है कि मम्मी से भिंडी सीख के आना। तो दोबारा, हाँ दोबारा ली है भिंडी गाइज। तो मैंने कहा चलो, मन्नू की किस्मत अच्छी है, भिंडी वाले भैया सीधा मिले। हाँ, बाहर खड़े थे, जैसे पूजा के पापा नीचे गए ना तो कहते हेमा भिंडी वाला आया। मैंने कहा ले लो, मन्नू बोल रहे हैं जवाई राजा का संदेश आया है कि भिंडी खानी है मम्मी जी, और पूजा को सेम सिखा के भेजो। खानी नहीं है, पूजा को सिखानी, सिखा के भेजो। अब मैंने कहा भाई अगर सीखेगी तो बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा पूजा मन्नू के लिए जरूर लेके जाइयो भिंडी, मन्नू को बहुत पसंद है, तो मन्नू रात को भी खा लेंगे और तू सीख भी ले। इसी वजह से हमारे घर में देखिए दोबारा भिंडी बन रही है। तो आज बन रही है मम्मी के जवाई राजा की लिए पसंद की स्पेशल भिंडी, और मन्नू को ना भिंडी बहुत पसंद है, आलू और भिंडी। गाइस हर किसी का ना फेवरेट खाना होता है, आप कहते हो जैसे पनीर वगैरह, तो मन्नू का वो इतना फेवरेट नहीं है। मन्नू का फेवरेट है, मैंने जो मेरे को जो इतने तक पता चला है जो जो पूजा बताती है, भिंडी तो सबसे पहले नंबर पे आती है भिंडी, और दूसरे नंबर पे आते हैं आलू, और तीसरे नंबर पे पीली दाल या फिर राजमा चावल, छोले चावल, उसका खाना यही है। तो जो पसंद है, हाँ ज्यादा मन्नू को यही सब चीजें पसंद है। तो हमारी कोशिश होती है कि आए तो हम यही चीजें बनाए जो बच्चा खुश होकर खाए, उसको साग भी अच्छा लगा गाइस। तो ये चीजें उसको पसंद है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब वो आए उसकी पसंद का ही बनाए। तो पहले शुरू में कहते थे पनीर बनाना चाहिए, उसको नहीं इतना पसंद पनीर कम, मटर पनीर बनाती है तो कम, वो मैं मटर पनीर बनाती हूँ उनके लिए, तो आलू मटर ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, पनीर कम, हर किसी का ना अपना टेस्ट है। पूजा के पापा भी नहीं खाते है ना। हाँ सड़ गया है, आराम से डाल दे, आराम से डालियो। हाँ वो क्या है, रुक देती हूँ। हमने भिंडी डाल दी है, कुछ भी नहीं करना पूजा, बेसिक सब्जी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके जो फ्राई करने का वो है ना ढंग, वो लो फ्लेम पे करनी है। लो कर हुआ? नहीं नहीं अभी तेज होने दे, 5-7 मिनट, उसके बाद इसको लो पे कर दियो। लो पे क्या है, हल्के हल्के फ्राई होती रहेगी ये, तो बस उसके बाद कुरकुरी गाय जो कुरकुरी बनती है ना, वो क्या होता है, वो लो फ्लेम पे बनते हैं। और जो कुरकुरी भिंडी का नाम है असली, वो बेसन में पतली पतली भिंडी करके बनाते हैं। मैं कभी आपको वो भी बताऊंगी, मुझे वो भी आती है। सो गाइस भिंडी की देखिए शक्ल कितनी अच्छी हो गई है, और फ्राई होना शुरू हो गई है। और क्या कहते हैं, हमने ना एक स्टेप मिस कर दिया दिखाने के लिए, हमने इसमें एक चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाली है। अभी ये थोड़ा और ये अच्छे से अभी फ्राई हो रही है, फ्राई भी हो रही है और पक भी रही है, ढक के पका रहे हैं ताकि दोनों चीजें होती रहे। हाँ, और लो टू मीडियम में, लो टू मीडियम में। हाँ, दोनों काम चल रहे हैं, बहुत इजी बीजी रेसिपी है ये। हाँ तो गाइस करते हैं भिंडी को चेक। तो मैंने पूजा हो गया है, अब इसमें डाल लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च डालना, लाल मिर्च डाल, तुम्हारे में लाल मिर्च ज्यादा खाते हो, एक चम्मच तो डाल। हाँ एक चम्मच डाल दे,
स्पाइसी, हरी मिर्चें भी हैं डाल दे बस, और एक से डेढ़ चम्मच के, डेढ़ चम्मच के करीब डाल धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, हाँ धनिया पाउडर ज्यादा डलता है गाइस, तभी वो ना मसाला लिपटा लिपटा नजर आता है, वो लगता है वो वही टेस्टी टेस्टी लगता है, वो मसाला, वो सोच रहे थे मसाला भिंडी है, उसने सोचा भरी हुई भिंडी है, लेकिन मैंने भरी हुई भिंडी के बिना भी भिंडी भरी बना दी, बाहर से भर दी है, बाहर से भर दी, तो मनु को समझ नहीं आई कि ये बाहर से भरी है या अंदर भरी हुई है, पर कोई बात नहीं, चलो ये देखो आ रहा है मसाला, आ गया ना, अब इसको थोड़ा सा ढक के ढक दे पूजा, और वही सेम ना मिसाले सारे अच्छे से मिक्स हो गए, आपकी ज्यादा कुरकुरी थी, वो वाली ज्यादा कुरकुरी थी, हाँ। वो बहुत कम भिंडी थी, वो थोड़ी सी थी, वो मेरे को लग रहा तभी ज्यादा कुरकुरी होगी, हाँ ये हो जाएगी, ढक दे, फैला दे ना सब्जी, ठीक बेटा फैला दे थोड़ी और पक भी जाएगी, हाँ ठीक, बस बेटा बस, तो गाइस देखिए मनु पूजा, मैं मनु को दिखा रही हूँ भिंडी बना रही हूँ, हाँ, so देखो इनको, ये देखो, देखो अब भिंडी, भिंडी अपनी व्लॉगिंग बना रही है, कैसे बनाएगी, सो गाइस देखिए मेरा नाम भिंडी है, इंग्लिश में मुझे लोग लेडी फिंगर भी बोलते हैं, मैं बिल्कुल पतली पतली टेस्टी टेस्टी ग्रीन कलर की हूँ, मैं मनु की फेवरेट हूँ, और ये देखिए गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मनु के फेवरेट में जाने के लिए, हाँ देखो इसको बिल्कुल रेडी हो, हाँ मनु कह रहे हो माय लेडी फिंगर, तो मनु सिखा दिया मैंने पूजा को, बस ठीक है, हाँ कोई नहीं, आज सिखा दिया इसकी पसंद की आप तुम्हारी, हाँ मनु को पसंद आई है, हाँ तभी वो वाली ज्यादा कुरकुरी थी, वो थोड़ी थी पूजा, वो थोड़ी थी ना, तो इसलिए ज्यादा मम्मी कह रही है, जो दोपहर में खाई थी वो थोड़ी थी ना, वो ज्यादा कुरकुरी बनी थी, ये मैंने अच्छे से फ्राई तो करी है पर उतनी कुरकुरी नहीं है, पर टेस्टी पूरी बनी है, हाँ टेस्टी पूरी है, हाँ हाँ हरी मिर्चें भी डाली है, बहुत हरी मिर्च, लाल मिर्च, चार मिर्च डाली है हरी, हाँ लंबी लंबी, तो कोई बात नहीं, तीखी खाने से आज मन्नू को, मेरा क्या होगा, मैं नहीं खा पाऊंगी, तो कोई बात नहीं, मन्नू तो खाएगा ना, हो गई है मम्मी कुरकुरी, हाँ हो गई है, मैंने कहा है देखो हो गई है, देखो मन्नू शक्ल देख लो, हाँ भिंडी की, अरे मम्मी तो इतनी तारीफों में फिदा हो गई है, अब देखा नहीं पापा से वो हो रहे थे, हाँ। पापा वो भी कह रहे थे मेरी देसी तारीफें करो, टेस्टी बने थे वो, आ रहे हैं चल पूजा, तो गाइज हम दोनों हो चुके हैं रेडी, रेडी क्या मतलब जैसे खड़े थे ऐसे ही चल रहे हैं जैसे खड़े हुए थे, सब्जी हो चुकी है रेडी, सब्जी रेडी हो चुकी है, और बस हम निकलते हैं अब मंगल बाजार के लिए, मेरे को पता ही ना आज ना कि ट्यूसडे मार्केट, अब दिमाग में वो चीज नहीं रहेगी ना, तो मैंने कहा मम्मी बहुत टाइम हो गया चलो ट्यूसडे मार्केट चलते हैं, मैंने कहा ललिता मासी को भी बुला लो, मासी से भी मिल लेते हैं, ठीक है, और भटूरे का मन बिल्कुल नहीं है गाइस, क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, हम बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, बस अब तो कुछ नहीं खाना, मन्नू के लिए लेने एक प्लेट, नहीं वो रात को आएंगे, तब तक तो खराब हो जाते हैं गाइस, बिल्कुल नहीं खाया जाता, आप हाँ वो बेकार हो जाते हैं, हाँ तो हम सब्जी ले ली, दीदी ने मूली लेनी थी, दो तीन चीजें लेनी थी ले ली, और मैंने भी ली है, अभी रात को 11 बजे, हाँ दीदी आएगी रात 11 बजे, क्या लेने आओगे दीदी, एक मिनट फेरा नीचे आ गया हाथ, हाँ क्या लेने आओगे, देखो कैसे मजा आ रहा है, अच्छा सब्जी सस्ती हो जाती है, हाँ ये है कि थोड़ी सस्ती हो जाती है, मेरा दूर पड़ जाता है ना, आपका तो ये बस देखो गाइस ये देखो ये गली और यहाँ लगा है बाजार, ये देखो और ये रही दुकान, हाँ ये रही हमारी दुकान, बस देखो तो दीदी को ज्यादा दूर नहीं है, आपका सही है जी, आई जैसे आवाज मारते हैं ललिता हाजिर, बस हाँ आपका सही है, अब मैं जाऊंगी ना, मैं जाती हूँ दुकान और फिर जाती हूँ आगे, घर थोड़ा रुक के जाऊंगी, कोई बात नहीं, क्या कर रहे अभी बैठी हूँ मैं दुकान पे, पूजा चली गई है, पूजा चली गई, वो पहुँच भी गई होगी, उसको कॉल भी करती हूँ, पहुँच गई होगी, करती हूँ मैं उसको, हाँ रेडी ना, गीली गीली थी, गीला हो गया हल्का सा गीला, अच्छा चलो डालते हैं ना पानी, हाँ कल मम्मी घर पे, ठीक है दीदी बजे बता दो, कल 1 बजे तक, हाँ 1 बजे करेक्ट, बिल्कुल 1 बजे, हाँ 1 बजे, ठीक है चलो बाय, तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे, और पूजा वहीं से वहीं निकल गई थी, और पता नहीं क्या घर घुसे है ना या नीचे से कई बार कुछ है, कुछ खाना बन रहा होता, थोड़ी सी वो आ रही है, हवक सी आ रही है, हवक आ रही है तुम्हें, हाँ थोड़ी सी वो आ रही है मिर्ची जैसी, तो पूजा के पापा की ना खांसी ही रुक रही, वो कह रहा बहुत ज़्यादा आ रही है गले में ना, ऐसे यहाँ लग रही है मेरी भी लगी आते ही, तो गाइस एक तो आई ऊपर थकावट एकदम से, दो फ्लोर चढ़ना कई बार तो ऐसा लगता है बहुत मुश्किल लगता है दो फ्लोरों पर चढ़ना, मैं तो बीच में बैठ ही गई थी, और पूजा वहीं से वहीं चली गई थी,
वो अपनी मासी से मिलके और क्या कहते हैं मासी को, मासी से मिलके वहीं से वहीं हमने इसको जगह पर छोड़ा है, तो ये मेट्रो से आगे निकल गई अपने घर को। स्कूटर आज नहीं मिल रहा था क्योंकि मंगल बाजार था, स्कूटर नहीं आ रहा था। उसने करा था कि थ्री व्हीलर मिल जाए तो मैं यहीं से अपना वहीं उतरूँ, घर के आ गई, पर मिल ही नहीं रहा था, काफ़ी देर वेट करती रही। फिर आखिर वो अपना मेट्रो से ही चलेगी, तो मैंने बाद में पूछा फोन करके तो पहुंच चुकी थी। तो गाइस यहाँ मैंने गूंदा है मक्के की रोटी का आटा, जिसमें मैंने डाला है मूली डाली है, नमक, अजवाइन और ये थोड़ी सी मेथी, बस इसी से मैंने एक इसका सॉफ्ट डो गूंद लिया है। बस अब मैं बनाती हूँ ये मक्की की रोटी, और साग मेरे पास है तो मैं आज इनको खिलाती हूँ साग और मक्की की रोटी। जैसे कि मैंने बताया मैं बना रही हूँ आज मक्की की रोटी, तो ये देखिए यहाँ मैंने गैस पे ये बनी हुई रखी है, तो मैं बना रही हूँ इस पे पोलोथीन पे। तो ये पोलोथीन है जैसे इसका, ये ऑयल का, तो यहाँ मैंने ऐसे इसके बीच में रखा। और ना हाथ से ही, अगर आपको हाथ से नहीं घूमती तो आप ऐसे करके ना ऐसे फोल्ड करके भी इसको आराम आराम से, देखिए ये आराम आराम से बढ़ गई ना, जैसे देखिए ऐसे ऐसे करते करते ये बढ़ जाती है रोटी। और कुछ तवे पे हम फैला देते हैं हाथ से, मैंने ऐसे ही कर लिया आधी इसमें से और आधी उसमें से। हमसे ना ऐसे वाली नहीं बनती, वो मम्मी तो मेरे बना लेते हैं पर हम लोगों से नहीं बनती। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे भी बन रही है तो चलो कोई नहीं, बना के दे देते, कम से कम खा तो लेंगे। और देखिए गाइस मूली और इसका बहुत अच्छी बन रही है और काफ़ी सॉफ्ट बनती है ये। तो गाइस ये बनाई है मैंने मक्की की रोटी, इसमें रखा है बटर और ये साग में बटर डाला है। तो अब देती हूँ पूजा के पापा को, आज काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में मक्की की रोटी बनी, काफ़ी टाइम बाद, मतलब क्या मतलब इस सीजन बिल्कुल नहीं बनी। तो गाइस सर्दी बीत गई है और मैंने अभी तक मक्की की रोटी नहीं बनाई थी, आज सर्दी में पहली बार बनाई है, क्योंकि साग बना हुआ था तो मुझे लगा चलो बना देती हूँ। और पूजा के पापा को मक्की की रोटी बहुत पसंद है और सरसों के साग के साथ तो वैसे भी उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खाने में लगता है, तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ। काकू ने एक खाई है बस, और काकू कह रहा है मेरे को प्लेन बना दो रोटी, क्योंकि दिन में बनाया था हमने भरता। काकू भरते के साथ खुश होकर रोटी खाता है, वो अपना भरते के साथ खा लेगा, हम दोनों साग और मक्की।